जिम्मेदारी निभाएंगे हम हैं भाजपा। As the political temperatures are soaring in battleground Delhi, all the candidates are leaving no stone unturned to woo the voters, and the campaigning is in full swing. We are joined by BJP's Tजिंदर Pal Singh Bagga, who is contesting from Harinagar Assembly constituency. Thanks all for joining us, sir. किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का जोश है, यहाँ से आप पहली बार contest कर रहे हैं, कितने confident हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और हरिनगर विधानसभा दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते जाने वाली विधानसभा बनेगी। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि जनता का जो प्यार मिल रहा है और 5 साल इस विधानसभा के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, उनको आम आदमी पार्टी को अपना कैंडिडेट तक बदलना पड़ा। तो पिछले 5 साल में इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं और जिता के भेजेंगे। तो कौन से ऐसे पोल इश्यूज़ हैं जो आप यहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उठाएंगे या फिर जो आपको लगता है दिल्ली में मेजरली उठाने चाहिए? देखिए, हरिनगर विधानसभा में हमने तय किया कि हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे एंड हरिनगर विधानसभा इज ओनली विधानसभा जिसमें वी रिलीज ओवर ऑन मैनिफेस्टो। तो पहला तो है दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या, तो हमने ये कहा कि हम एक स्मोक टावर लगाएंगे 60 दिन के अंदर और अपनी विधानसभा को पॉल्यूशन फ्री करेंगे। दूसरा, गंदगी की दिक्कत है तो हमने ये तय किया है कि आप एक कम्पोस्ट मशीन लगा के जितना कूड़ा है उसको खाद में कन्वर्ट करके देश के किसानों को फ्री देंगे। वुमेन सिक्योरिटी इज़ द मेजर इशू इन नॉट ओनली इन दिल्ली, इन इंडिया ऑल्सो। तो हमने ये तय किया कि इन 3 वार्ड्स ऑफ और विधानसभा हम एक फ्री सेल्फ डिफेंस कोचिंग सेंटर्स खोल रहे अपनी बहनों के लिए ताकि हमारी वुमेन को एम्पावर कर पाए, ताकि उन्हें मोलस्ट करे, टीज करे तो वो खुद जवाब देने में सक्षम हो। तो ऐसे बहुत से विषय हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में डाले हैं। तो देखा जाए तो 16 इयर्स की एज में ही आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी, आपको एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में एक 3 कॉर्नर्ड फाइट है? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और इसका सबसे बड़ा ओपिनियन पोल तो 15 दिन पहले आ गया जब जो लोग डीटीसी स्कैम की बात कर रहे थे, सीएनजी स्कैम की बात कर रहे थे। तो परिवहन विभाग में जितनी फाइलें थी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उन फाइलों को जब जला दिया, तो यही दिल्ली का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है कि अरविंद केजरीवाल डर गए हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो उनको जेल में जाना पड़ेगा और जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया उनके मंत्री जेल में जाएंगे, इसलिए सभी फाइलों को आग लगा दी गई। तो सर, देखा जाए तो इस समय जो दिल्ली के इलेक्शन से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कम्युनलाइज हो चुका है, एक तरीके से जो पूरा इलेक्शन है वो बीजेपी और आप शाहीन बाग के ऊपर लड़ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन में जो शाहीन बाग का मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी लाए है, केजरीवाल लाए हैं। 1.5 महीने से एक प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक 1 हफ्ते पहले अगर मनीष सिसोदिया कहते हैं जो शाहीन बाग की जनता के साथ हो तो बिल्कुल आप पे सवाल उठेंगे, क्योंकि शाहीन बाग का वो मंच है जहाँ पे नारे लगते हैं जिन्ना वाली आज़ादी के, जहाँ पे नारे लगते हैं कि आसाम को भारत से तोड़ देना चाहिए, जहाँ पे फ्री कश्मीर के पोस्टर लहराए जाते हैं, जहाँ पे कहा जाता है हिंदुओं से आज़ादी की बात की जाती है। तो निश्चित रूप से अगर ऐसे लोगों के साथ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। तो अगर बात कही जाए 11 फरवरी की तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी, तो शाहीन बाग को लेकर के क्या रुख होगा? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहाँ शाहीन बाग खाली होना चालू हो जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन एक और बात है कि आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि अमित शाह जी के पास सारी पावर्स हैं, वो चाहे तो आज ही शाहीन बाग को खाली कर दें, उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, तो फिर क्यों इसको एक पोल इशू बनाया जा रहा है कि जानबूझ करके वहाँ पर जो है जो रोड्स ब्लॉक्ड है उनको खाली नहीं कराया जा रहा है ताकि एक जो इलेक्शन है उसका मुद्दा बना रहे? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो चाहते हैं कि इस प्रकार की कुछ घटनाएं हो जिससे चुनाव को सांप्रदायिक रंग दिया जाए, दंगे हो जाएं। उन्होंने पहले भी बहुत सारी कोशिश की, अवंतुल्ला खान ने जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिए, बसों को जलाया, फिर चाहते हैं अगर, क्योंकि प्यार से पुलिस समझा रही है उन्हें, अगर वो चाहते हैं लाठीचार्ज हो और इलेक्शन से पहले इस तरीके का माहौल हो जाए, कम्युनलाइज किया जाए, वो चाहते हैं दिल्ली में फिर से आग लगे, दिल्ली में दंगा हो। हम चाहते हैं कि वो प्यार से अगर समझ जाए, प्रयास पूरे वही किए जा रहे हैं, नहीं तो चुनाव के बाद देखा जाएगा। तो क्या लगता है दिल्ली में कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी को, और लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस भी फाइट में है इस बार? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर के लिए फाइट कर रही है, बीजेपी 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस। सो दैट वाज मिस्टर तजिंदर पाल सिंह बग्गा एंड ही इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल विन फ्रॉम हियर हरिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ही बिलीव्स दैट व्हेन बीजेपी कम्स टू पावर इन दिल्ली देन शाहीन बाग विल बी वेकेटेड। विद कैमरा पर्सन इमरान अनुपति गौर फॉर वन इंडिया।